For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamualaikum everyone. I am Dr. Nazish, working as assistant professor in Darul Hospital, Daruul College of Medicine and Dentistry. Today I am going to discuss the myth regarding to have only a vaginal delivery at any cost. बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इस तरह आते हैं जिनकी मदर इन लॉज अपने डॉटर इन लॉ को लेकर आती हैं और कहती हैं कि भाई हमने सिर्फ इसकी वजाइनल डिलीवरी ही करानी है, क्योंकि आजकल तो ये फैशन बन गया है कि हर किसी का पकड़ के सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास से इसीलिए रेफ़र होके आए हैं कि हमें पता चला है कि यहाँ पे वजाइनल डिलीवरी होती है। तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई फैशन नहीं है कि हर डॉक्टर पकड़ के बस पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन ही करे। सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी पे। सही है, तो एट द टाइम ऑफ लेबर पेन्स हम इवेलुएट करते हैं कि पेशेंट को लेबर पेन्स कैसे आ रहे हैं, उसकी सर्वाइकल लॉस यानी जिसको हम बच्चेदानी का मुंह कहते हैं वो ओपन हो रहा है या नहीं, और बेबी का डिसेंड हो रहा है या बेबी नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर्स हम देख रहे होते हैं। तीसरा, हम पेशेंट का भी देख रहे होते हैं कि जो उसकी पेल्विक बोन्स हैं वो मतलब इतनी वाइड हैं कि वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवा सकें, क्योंकि ये होता है कि शुरू में तो लेबर प्रोग्रेस कर रहा होता है कि उसका बच्चेदानी का मुंह यानी सर्वाइकल ऑस भी ओपन हो जाता है, लेकिन फाइनली आके बेबी एक पॉइंट पर स्टक हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेल्विक बोन। जो पेल्विस होता है उसका वो नैरो होता है, जिसकी वजह से बेबी फर्दर डिसेंड नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि लेबर अच्छा जा रहा होता है, लेबर पेन्स भी बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, सर्वाइकल ऑस भी अच्छा आ रहा होता है, लेकिन बेबी को कोई डिस्ट्रेस हो जाता है, बेबी की हार्ट बीट कम हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें इमरजेंसी में सेक्शन प्लान करना पड़ता है। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन, ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। ठीक, कभी कभार ऐसा होता है कि हम उनको अपने पेन्स नहीं आ रहे होते, लेकिन हम उनको लेबर पेन्स के लिए ड्रिप्स लगाते हैं या उनको टैबलेट्स देते हैं, लेकिन उससे भी उनका सर्वाइकल लॉस ओपन नहीं होता। तो इस कंडीशन में भी हमें सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन दीज आर द फैक्टर्स जो ओनली हम एट द टाइम ऑफ लेबर पेन्स डिसाइड कर सकते हैं। हम पहले से नहीं बता सकते कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जिसका पहला बेबी है उसमें 90% चांसेस हैं टू हैव अ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। दूसरे पेशेंट हमारे पास इस तरह के आते हैं जिनके प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन होते हैं और वो कहते हैं भाई मेरी भाभी का तो प्रीवियस सेक्शन था लेकिन उसकी सेकेंड नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो उसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक उनका इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल कितना था। उनका इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल 3 इयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। उनका लेबर स्पॉन्टेनियस, खुद से उनको दर्दें आनी चाहिए, बेबी अच्छे से डिसेंड होना चाहिए, बेबी गुड साइज़ नहीं होना चाहिए, और जो फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव होने चाहिए। ठीक, तो इस पर भी हम कहते हैं कि जिनका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है और उनका इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल मोर देन 3 इयर्स है तो दे हैव 75% चांसेस टू हैव अ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। फिर भी 25% चांसेस आर देयर टू हैव अ रिपीट सिजेरियन सेक्शन। तो आज मेरा वीडियो का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप लोगों ने डॉक्टर से जाके ज़िद नहीं करनी है कि भाई हमें डॉक्टर आप नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी ही करके दें, बिकॉज डॉक्टर नोज़ बेटर कि आपके पेशेंट के लिए क्या चीज़ बेटर है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी देयर विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन, ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।